हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम फंक्शंस के ग्राफ में कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। पहला तो हमने सॉल्विंग इक्वेशंस देखा था कि ग्राफ की मदद से कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह बताए जा सकते हैं, एंड दूसरा ये था कि इनइक्वालिटीज भी सॉल्व की जा सकती है ना। तो उसी में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम, उसी में कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, साइन एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ वाला, ऐसा है ना। तो उसमें हमने ये बताया था कि पीरियोडिक फंक्शंस के केस में ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, तो क्या करें, कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लें, है ना, कोई भी एक लेंथ 2π में लिख लें, एंड देन आफ्टर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। जैसे साइन का 2π है तो 2nπ, टेन का पाई है तो nπ, फ्रैक्शन का 1 है तो n, वो जोड़ दें दोनों तरफ तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से उसके सॉल्यूशन को लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे वो क्वेश्चन थोड़ा था, उसमें था साइन एक्स की वैल्यू इक्वेलिटी किस पे आ रही थी, माइनस हाफ पे, तो वो एक स्टैंडर्ड एंगल था, जैसे -π/6 है ना, 7π/6, ये सब वैल्यूज हमने पता कर ली थी, तो हमने आंसर लिख दिया था। मान लो स्टैंडर्ड वैल्यू ना हो, मान लो मैंने कहा साइन की वैल्यू 1/3 हो, तो ऐसा तो हमें कोई स्टैंडर्ड एंगल पता ही नहीं ना कि जिस पे वैल्यू 1/3 है, लेकिन एंगल्स तो ऐसे बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट एंगल्स पे वैल्यू 1/3 होगी, वो तो आप देख ही सकते हो। जैसे मान लो, सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 का सोल्यूशन बता दो, ठीक है। तो ग्राफ से अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता है कि ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और ये मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है। तो -1 से 1 के बीच 1/3 भी तो कहीं आएगा, तो 1/3 सपोज यहां आता है, 1/3, तो 1/3 वाली लाइन ये आएगी। इनइक्वालिटी के लिए हमेशा पहले इक्वालिटी की बात करते हैं, पहले ये देख लिया 1/3 कब है। अब इसके नीचे जो पार्ट है उसमें तो जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो ब्लू वाली लाइन से नीचे है, मतलब वो छोटा है, मतलब वो 1/3 से वैल्यू कम है, और जो अपर वाला पोर्शन है उस रीजन में साइन की वैल्यू 1/3 से बड़ी है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा, क्या वो ये वाला हिस्सा आएगा? और ये एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, ओपन आएगा इन पे। हाँ जी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा ग्राफिकली। यस सर। अब बात ये है कि जब हम इस सॉल्यूशन को लिखने लगेंगे तो बेटा हमें ये एंगल नहीं पता क्या है अल्फा, ये एंगल क्या होगा बेटा हमें नहीं पता क्या है, ये एंगल क्या है गामा, ये एंगल क्या है डेल्टा, ये सारे हमें एंगल्स नहीं पता। जैसे कल के केस में क्या था, π/6, π/7, π/6, इस तरह से एंगल्स आ गए थे, आपने आंसर लिख दिया था। अब हमें ये एंगल ही नहीं पता कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/3 होती है, लेकिन ये तो पता है कि ऐसे एंगल बहुत सारे हैं, अल्फा भी एक ऐसा एंगल है, बीटा भी है, गामा भी है, डेल्टा आगे भी होंगे, इधर पीछे भी होंगे। तो ऐसे केस में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? हालांकि ये बात मैंने आपको 11th में भी एक एग्जांपल के थ्रू बताई थी, तो अभी दोबारा बता रहे हैं, सुन लें। हालांकि अभी इनवर्स नहीं पढ़ा हमने, इनवर्स पढ़ लेंगे तब तो हमें लॉजिक क्लियर हो ही जाएगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप याद रख सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जिससे आप आंसर लिख सकते हैं इन एंगल्स के, ताकि आपका आंसर गलत नहीं होगा, अपन आंसर लिखने लायक हो जाएंगे, ठीक है ना। एंगल्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन सभी को साइन इनवर्स 1/3 तो नहीं बोल सकते ना। कि जैसे अगर मैं बोलूं साइन एक्स की वैल्यू अगर 1/3 है, तो कुछ बच्चे बोल देंगे कि सर एक्स बराबर ये होता है, ऐसे करके साइन इनवर्स 1/3, सही बात है, लेकिन ये तो एक एक्स की वैल्यू होगी ना, अब वो अल्फा है या बीटा है, कौन सा है हमें क्या पता। दूसरी बात, ये सारे के सारे बराबर थोड़ी है, वो तो हमें दिख ही रहा है, ये सब की सब वैल्यू अलग अलग है। तो इन सारी वैल्यूज को टैकल करने का एक तरीका है जो मैं अभी आपको बता देता हूं, अभी के लिए उसको याद रखें, है ना। 11th में भी बताया था, अभी दोबारा बता देते हैं, और इनवर्स के बाद वो आपको समझ में आ ही जाएगा कि उसका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए साइड में लिख लें काम की बात, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और हमें कोई ऐसी वैल्यू, मान लो ये वैल्यू है, जैसे सपोज कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये वैल्यू हमें पता है कि बीटा है, लेकिन ये नहीं पता कि ये बीटा वैल्यू किस अल्फा पे आएगी, एंगल नहीं पता। जैसे इस केस में
हमें पता है कि बीटा 1/3 है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस एंगल पे आएगी। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी एंगल हो, पहली बात तो आप ये ध्यान दें कि वो एंगल, वो जो बीटा है वो उसकी रेंज में तो होना चाहिए। जैसे मान लो साइन का ग्राफ है और आप ढूंढ रहे हो कि बीटा 5 कब होगा, तो बीटा 5 तो कभी बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी रेंज ही -1 से 1 तक होती है। तो पहली बात तो ये जो बीटा है वो क्या होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। रेंज में ही नहीं है तो बात ही खत्म। नाउ अब जैसे सपोज इस केस में साइन बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो वो तो रेंज के अंदर है। नाउ अगर वो रेंज के अंदर है तो वो किस इनपुट पे आएगा, तो वो एंगल कैसे बताते हैं, उस चीज का हम यहां पे लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कोई भी फंक्शन हो, ये मान लो फंक्शन है वाई बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे तो साइन एक्स है, चाहे कॉस एक्स है, चाहे टेन एक्स है, चाहे कॉट एक्स है, चाहे सेक एक्स है, चाहे कोसेक एक्स है, कोई भी फंक्शन है, सबके लिए वैलिड है ये तरीका। तो ये एंगल हमें पता करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करें, स्टेप वन, फाइंड नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई नियर अल्फा। क्या करना है, अगर हम हिंदी में कहें कि अल्फा के पास हमें सबसे पास, जो उसके नियरेस्ट मतलब उसके सबसे पास में जो पाई का मल्टीपल आएगा ना वो ढूंढो। मान लो कि ये है एन पाई और ये है एन प्लस 1 पाई, सपोज करो। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये वाला इसके ज्यादा पास है अल्फा के, या इधर वाला ज्यादा पास है एन पाई के ज्यादा पास है, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब सबसे पास, सबसे पास जो मल्टीपल है ना पाई का वो ढूंढेंगे, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके इधर भी एक मल्टीपल होगा, उसके इधर भी एक मल्टीपल होगा, तो जो सबसे नजदीक है हम उसकी बात करेंगे, उसको हाईलाइट कर लिया। नाउ स्टेप टू, अगर मेरा एन पाई इधर है और अल्फा इधर है, तो मैं इसके आगे जाऊंगा, तो अल्फा की वैल्यू को क्या लिखूंगा, एन पाई प्लस, और अगर मान लो मेरा एन पाई है ये सबसे नजदीक और अल्फा इधर है, तो एन पाई से मुझे पीछे जाना पड़ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू में क्या लिखूंगा, एन पाई माइनस। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। और उसके आगे लिख दो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा ना टी, जो भी होगा ये टी एक्स, तो इसके आगे टी इनवर्स के अंदर मोड के अंदर ये बीटा वैल्यू, टी इनवर्स बीटा का मोड, टी इनवर्स बीटा का मोड। क्या कहा मैंने कि उसके नजदीक सबसे पहले जो सबसे पास मल्टीपल होगा पाई का वो ढूंढ ले, उसके बाद अगर वो पहले है अल्फा बाद में है तो एन पाई प्लस आएगा, अगर एन पाई आगे अल्फा पीछे है तो एन पाई माइनस आएगा, और उसके बाद टी इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू है बीटा उसका मोड लगा दें, आपका ये अल्फा एंगल आ जाएगा। जैसे इस केस में मैं बताऊं, एक बात बताओ, अल्फा के सबसे नजदीक कौन है, जीरो है या पाई है? जीरो है। तो आप एन पाई किसको लोगे, जीरो को लोगे या पाई को लोगे? जीरो को लोगे। अब जीरो के रिस्पेक्ट में अल्फा आगे है या अल्फा पीछे है? आगे है, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस, ये वाले केस में टी इनवर्स मतलब साइन इनवर्स, बीटा कितना है 1/3, तो मोड 1/3 मतलब 1/3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1/3। ऐसे बीटा की वैल्यू लिखोगे तो बीटा के सबसे नजदीक कौन है, जीरो या पाई? पाई। तो पाई सर, पाई से पीछे जा रहे हो तो माइनस साइन इनवर्स मोड 1/3। ऐसी गामा के सबसे नजदीक कौन है, 2 पाई, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई प्लस साइन इनवर्स 1/3। मान लो ये एक एंगल है अल्फा डैश है, तो इसके सबसे नजदीक कौन है, -π या -2π? -π। तो आंसर अल्फा डैश का क्या आ जाएगा, -π से पीछे जा रहे हो तो -sin inverse 1/3। इस तरह से आप ये सारे एंगल बता सकते हो। यस सर। यस। तो बस जब ऐसी वैल्यू आए जो रेंज के अंदर है बट वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उन एंगल्स को लिखने का जो तरीका है वो मैंने आपको समझा दिया है, होपफुली आप इसको ध्यान रखेंगे। तो अब वही कल की तरह कोई भी एक पीरियड में सॉल्यूशन लिख लो, तो 0 से लेके 2π के बीच का मैंने सॉल्यूशन लिख लिया,
आंसर क्या होगा? अल्फा से बीटा, अल्फा मतलब साइन इनवर्स 1/3 से लेके, और बीटा क्या है? पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3। ये एक सॉल्यूशन लिख लिया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसमें क्या जोड़ दो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, तो 2n पाई जोड़ दिया दोनों तरफ, इसमें भी क्या जोड़ दिया 2n पाई, और पूरे का बाहर यूनियन करके n बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये साइड वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, तो ये 2n पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. बस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चल छाप लो जल्दी से। छाप लिया सर। चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ 1 - x² > 2x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि स्क्वेयर रूट इनइक्वालिटी है ये, तो ये भी बेसिक मैथ्स में 11th में पढ़ाया जाता है, तो जिनको नहीं पता उनके लिए एक बार फटाफट एक क्वेश्चन के थ्रू रिविजन हो जाएगा कि इसको हम अब तक कैसे करते थे बिना ग्राफ के, और फिर आज सीखेंगे हम ग्राफ की मदद से भी इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मेथड वन जो विदाउट ग्राफ था, विदाउट ग्राफ जो हम 11th में ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीख चुके हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी का आपको पता है स्टेप वन क्या होता है? उसका डोमेन लिखना, मतलब कि कहां कहां वो रूट डिफाइन होगा। तो स्टेप वन में क्या लिखते हैं? डोमेन लिखते हैं। डोमेन लिखते हैं मतलब कि ये रूट के अंदर जो आइटम है वो पॉजिटिव होनी चाहिए ऑब्वियसली, तो 1 - x² जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा तभी रूट डिफाइंड होगा, अदरवाइज तो रूट डिफाइंड ही नहीं होगा। फिर इसको सॉल्व करा तो x² - 1 आ गया लेस देन 0, फैक्टराइज करा x - 1 x + 1 क्या आ गया लेस देन 0, यहां से देखा -1 1 ± +, तो आपका आंसर आ गया x belongs to -1 to 1, मतलब जो भी आंसर आएगा इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता। नाउ स्टेप टू क्या होता था कि रिमूव द रूट एंड सॉल्व इनइक्वालिटी। अब रूट रिमूव करने के लिए आपको दो चीजें बेसिक इनइक्वालिटी में पढ़ाई जाती हैं, वो आपको मैं दोबारा बता रहा हूं। होता क्या है, अगर दोनों तरफ प्लस प्लस है तो आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो मुंह फाड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वेयरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीज पहले बड़ी थी वही बड़ी रहेगी। लेकिन अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो स्क्वेयरिंग करने पे साइन चेंज हो जाता है, इधर वाली चीज का साइन घूम के इधर वाला बड़ा हो जाता है। और लेकिन अगर 1 + 1- है तो हम स्क्वेयरिंग नहीं करते हैं, अवॉइड स्क्वेयरिंग, क्योंकि इस केस में कभी आंसर सही आता है कभी गलत आता है। तो 1 + 1- में स्क्वेयरिंग नहीं की जाती है, कॉमन सेंस से ही देख लिया जाता है कि अगर प्लस इधर है माइनस इधर है साइन ऐसा है तो प्लस तो माइनस से हमेशा ही बड़ा होता है, तो इसका आंसर x belongs to r आ जाएगा। और अगर ऐसा है और इधर प्लस है तो ये कभी भी सही नहीं होता, नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं होता, तो इसका x belongs to phi आ जाता है। ऐसे केस में हम इन चीजों से डील करते हैं। नाउ स्टेप टू, स्टेप टू के इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते हुए हमें साइन देखना है क्या है, तो भैया ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव होती है, जीरो या जीरो से बड़ी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो दो केस बनने चाहिए कॉमन सेंस से, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव है तभी स्क्वेयरिंग कर सकते हो, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। तो हम देखते थे कि ये चीज पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तो इसके बिहाफ पे दो केस बनते हैं। पहला केस एक्स जीरो से बड़ा है, क्योंकि जब एक्स जीरो से बड़ा है तो ये भी बड़ा है। दूसरा केस एक्स जीरो से छोटा है। अब इस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि 1 - x² > 2x तो है ही, नाउ ये भी पॉजिटिव है और क्योंकि एक्स पॉजिटिव चल रहा है तो ये भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों तरफ आ गया तो मुंह फाड़ के स्क्वेयरिंग कर सकते हैं, तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी है।
स्क्वेयरिंग करके आ गया 1 - x² इज ग्रेटर देन 4x² आंसर आ गया इधर से 5x² 1 - ग्रेटर देन 0 तो 1 - √5x 1 + √5x ग्रेटर देन 0 यहां से आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू -1/√5 से लेके 1/√5 ये आंसर आ जाएगा ऐसे ठीक है। दूसरा केस जब x नेगेटिव है, जब x नेगेटिव है ध्यान दें तो 1 - x² और ये 2x तो ये चीज तो नेगेटिव है और ये चीज क्या है पॉजिटिव है तो इस चीज में स्क्वेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बता सकते हो कि पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा ही बड़ा होता है तो इसका आंसर क्या आ गया x बिलोंग्स टू r। अब आप ध्यान दें ये वाला सोल्यूशन कब वैलिड है जब ये वाला केस चल रहा है एक ही केस के अंदर जो कंडीशन आती है उनका आपस में क्या लिया जाता है इंटरसेक्शन लिया जाता है तो x 0 से छोटा है ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर क्या आ गया x 0 से छोटा आ गया। ऐसे ही जब ये वाला केस है तब ये वाला आंसर आया तो इन दोनों का लास्ट में क्या लिया गया इंटरसेक्शन तो 0 से बड़ा है तो यहां से आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1/√5 तक। अब ये दो अलग अलग केस है इन दो अलग अलग केस का फाइनली क्या लिया जाएगा यूनियन लिया जाएगा तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1/√5 ये आंसर कौन से स्टेप का आया स्टेप 2 का ठीक है। सारी कहानी दोबारा सुनने क्या करा स्टेप 1 हमने डोमेन निकाला स्टेप 2 हमने ये देखा कि हमें उसको सॉल्व करना है रूट को हटा के कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है स्क्वेयरिंग कर दिया साइन सेम रखा नेगेटिव नेगेटिव होता स्क्वेयरिंग करके साइन बदल देते लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो स्क्वेयरिंग नहीं करते हैं तो हम कॉमन सेंस यूज करते हैं तो हमने देखा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो हमने केस बना लिया कि ये पॉजिटिव कब है ये नेगेटिव कब है। जब पॉजिटिव है तो ये आंसर आया तो ये जो आंसर है इसके इसके अंदर ही तो आया ना जब जब ये वैलिड था तो इसका इससे इंटरसेक्शन लिया तो ये आंसर आ गया। जब एक्स नेगेटिव है तो ये आया इसका इससे इंटरसेक्शन लिया दोनों केस का अलग अलग ऑब्वियसली अलग अलग है तो यूनियन लिया जाता है तो इनका यूनियन करके ये आंसर आ गया। एक मिनट ये जो सोल्यूशन आया है पूरा ये स्टेप 2 का सोल्यूशन आया है। स्टेप 2 मतलब रिमूव द इनइक्वालिटी एंड सॉल्व द इनइक्वालिटी इसका आंसर आ गया। नाउ स्टेप 1 तो वैलिड हमेशा ही है कि जो आंसर है वो डोमेन के अंदर ही आना चाहिए तो स्टेप 3 क्या होता था इसका सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का इंटरसेक्शन। तो सॉल्यूशन 1 आया -1 से 1 सॉल्यूशन आया आपका ये तो इसका आंसर क्या आ गया दोनों का इंटरसेक्शन लेके फाइनली एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेके 1/√5 ओपन ये आपका फाइनल आंसर है। तो बिना ग्राफ के आज तक हम ऐसी इनइक्वालिटीज को ऐसे सॉल्व करते थे स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज को। ये तो था पुराना मेथड जो हम 11th में पढ़ चुके हैं जो आपको मैंने दोबारा बता दिया। नाउ इसको ग्राफ की मदद से कैसे करना है वो हम देखेंगे और आप देखना आंसर सेम आएगा ठीक है भाई। हाँ जी क्लियर है ठीक है। तो आज तक हम ऐसे करते थे सही है सबको पता है ना जिनको नहीं पता था वो देख लें जिनको पता था उनको याद आ गया। आप 11th में ऐसे क्वेश्चंस किया करते हैं बेसिक में पढ़ाया जाता है ये सब हाँ जी यस yes, हाँ yes, तो पहली बात तो ये थोड़ा लेंदी भी है दूसरा चलो स्टैंडर्ड तो है ही बिना दिमाग लगाए कुछ ना कुछ करके सीधा प्रोसीजरल वे में कर दिया। नाउ हम क्या सीख रहे थे ग्राफ का एप्लीकेशन कि इनइक्वालिटी है तो क्या इसमें हम ग्राफ से कर सकते हैं तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए हमें दोनों साइड वाले ग्राफ पता है क्या उसके बाद हम इजीली कर सकते हैं। तो अब आप देखें इसका ग्राफिकल मेथड और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी है क्या बताया मैंने ग्राफ से करने के लिए एक तरफ फंक्शन एफ एक्स एक तरफ जी एक्स है दोनों का ग्राफ बना लो तो ये तो फंक्शन एफ एक्स मान लिया ये फंक्शन जी एक्स मान लिया ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए अब एफ एक्स आपने माना है बराबर √1 - x² मतलब वाई बराबर √1 - x². अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका फंक्शन तो हमें आता ही तो उनको मैं दिखाऊंगा कि वो जानते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे। ध्यान दें थोड़ा सा दिमाग लड़ाए अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग करता हूं तो ये मिलेगा आपको y² + x² = 1 मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा x² + y² = 1 एक सर्कल होता है जिसका सेंटर 0 0 है और उसकी रेडियस 1 है ये होता है। अब सर इसका इससे क्या लेना देना है तो आप ध्यान दें
ये तो फंक्शन नहीं है सर्कल, लेकिन अगर इससे y निकालेंगे तो दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो आएगा y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक आएगा y बराबर माइनस रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का डोमेन माइनस वन से वन हो गया, तो देखो माइनस वन से लेके वन के बीच ही बनेंगे दोनों फंक्शन। अब ये दो फंक्शन है, एक तो है पॉजिटिव वाई, ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है ना, और ये पॉजिटिव है आगे नेगेटिव है तो ये हमेशा नेगेटिव हो गया। तो ये वाला फंक्शन तो पॉजिटिव है और ये वाला फंक्शन नेगेटिव है। पॉजिटिव मतलब जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है वाई पॉजिटिव, भाई अगर मैं नीचे की टोपी उड़ा दूं तो ये फंक्शन है ना, तो इसकी इक्वेशन तो है वाई बराबर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और जो नीचे नीचे वाला फंक्शन है, दोबारा बना लो ये वाला, इसकी इक्वेशन है वाई बराबर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ही अपने आप में अलग अलग फंक्शन है। तो हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा पोर्शन है, इस सर्कल का अपर पार्ट। क्लियर है? यस सर। तो हमें इस फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है, ये हो गया ये सर्कल ऐसा, ये वाला पॉइंट 1,0, ये वाला पॉइंट -1,0, ये वाला पॉइंट 0,1, और इसकी इक्वेशन है y बराबर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो एक तरफ fx बन गया, दूसरा है gx, gx है y बराबर 2x, y बराबर 2x तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो रही, ये रही y बराबर 2x। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि माइनस वन से पीछे और वन के आगे तो फंक्शन का डोमेन ही नहीं है, जो भी आंसर है माइनस वन से वन के बीच आएगा, और ऊपर से आपको वो वाला हिस्सा चाहिए जब जब एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, मतलब ब्लू वाला ग्राफ ब्लैक वाले ग्राफ के ऊपर है, ऊपर है तो ये वाला आंसर आएगा, ये वाला। क्या ये पॉइंट आएगा? नहीं आएगा। और उसके आगे तो ब्लू वाला नीचे है तो वो आंसर नहीं आएगा। मतलब अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं अल्फा, तो आपका आंसर माइनस वन से लेके अल्फा आएगा, एक्स बिलोंग्स टू अल्फा ओपन। हाँ जी एक्स यहां से लेके यहां तक के लिए फंक्शन ऊपर है ना हमारा, मतलब f बड़ा, यही सॉल्यूशन आएगा। तो अल्फा निकाल लो, अल्फा के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो y बराबर 2x बराबर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस रूट 1 बाय 5। अब आप ध्यान दें यहां से दो आंसर आए, लेकिन हमारा तो अल्फा एक ही है, तो आपको दिख रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो प्लस वाला होगा या माइनस वाला होगा? प्लस वाला होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके वन बाय रूट फाइव ओपन, यही था भाई आंसर। हाँ जी यस सर। देखो कितने मस्त तरीके से आ रहा है आंसर। अब कोई बच्चा ये भी पूछेगा सर फिर ये माइनस आंसर आया क्यों, तो ध्यान दो आपने इसको इससे जब सॉल्व करा तो आपने स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया तो मतलब बेसिकली आपने इस लाइन को इस फंक्शन से सॉल्व नहीं करा, आपने इस लाइन को सर्कल से सॉल्व करा, तो पूरे सर्कल के साथ तो इसके दो सॉल्यूशन आने थे ना, तो एक ये वाला आया दूसरा जो माइनस वन बाय रूट फाइव है, लेकिन हमारा फंक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर वाला था इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया और ये वाला सिलेक्ट हो गया। तो बस यहां से लेकर यहां तक दिस इज योर आंसर। तो हर चीज को ग्राफिकली समझना भी सीखो, करते तो है पर उसको मीनिंग भी देखो क्या हो रहा है प्रैक्टिकली, इसको सॉल्व करने से ये दो आंसर आ रहे थे आपके। क्लियर है? Yes, sir. So again, this is the beauty of graph, है ना? जिनको समझ में आ रहा है उनको शायद अच्छा महसूस हो रहा होगा अंदर से, कुछ प्यार मोहब्बत सा कुछ हो रहा होगा मैथ से, कुछ शुरू हो रहा है क्या अभी? हाँ यार बड़ी अच्छी चीज है ये तो। ठीक है? No, sir. नहीं हुआ? ठीक है, नहीं हुआ तो भाई अब हो जाएगा धीरे धीरे, अगर मन लगाओगे तो, है ना, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो। अरे सर अरे तो बस यही है चीजों को समझ के ध्यान रखना। तो सोचो देखो पिछले मेथड और इस मेथड में दिन रात का फर्क है, ये प्योरली अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, वो प्योरली स्टैंडर्ड प्रोसीजरल था। ठीक है, और पता हमें दोनों ही होने चाहिए। ठीक, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ्स एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द डोमेन ऑफ फंक्शंस, मतलब हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना। अभी तक हमने डोमेन पे बात करी थी जनरली होता क्या है, नाउ अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग चीजों में कैसे चीजों को निकालना है, सॉल्व कैसे करनी है, उस पर बात करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।